DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। ने पत्रकारों को कोरोना योद्धा के रूप में शील्ड प्रदान करने का हमने एक सम्मान बना मन बनाया कि हमारे को सब पत्रकार भाइयों को सम्मान करना है। अब पत्रकार भाइयों ने जैसे पुलिस ने, नर्सिंग कर्मी स्टाफ ने, डॉक्टरों ने जैसे देश की सेवा करी, वैसे ही पत्रकार भाइयों ने अपनी जान जोखिम में डाल के हर एक खबर, हर एक शहर की, गली मोहल्ले की, हर हॉस्पिटल की, हर गली की, हर गली की, हर घर की, एक एक व्यक्ति की, इंसान की, कौन प्रोजेक्ट हो रहा है, कौन नेगेटिव है, कितने मरीज आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, बिना किसी भी उनको साधन के अपने बाइक पे, अपने व्हीकल पे जाग जाके रात को 12 बजे 1 बजे जो भी उनको खबर मिलती थी वो आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं सभी पत्रकार भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हरीश गिदवानी, गसेटी बाजार, उपाध्यक्ष। आज हमने पत्रकार भाइयों का जो कि इस ये जो देश में कोरोना महामारी चल रही थी, ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका लाइलाज आज तक कोई इलाज नहीं है। उस बीमारी में आप जो पत्रकार, सारे पत्रकार भाइयों ने अपनी जान जोखिम में डाल के, मतलब चाहे किसी भी जगह जाना हो, किसी भी युद्ध स्थान पे, कहीं भी कोरोना मरीज हो, वहाँ पे पत्रकार भाइयों ने अपनी जान की न परवाह नहीं करते हुए जाकर जो हम तक घर घर मीडिया के जरिए खबरें पहुँचाई, और हमको ये ज्ञात हुआ कि अजमेर में या पूरे देश में आज कितनी महामारी चल रही है, कितने रोज़ बीमार हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने जिंदा, हम इसी उपलक्ष्य में हमने पत्रकार भाइयों का आज उतार घसेटी व्यापारी एसोसिएशन की ओर से सम्मान किया है। सम्मान तो सबका होता है, अजमेर में सबका हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पुलिस वालों का भी है, पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई, नर्सिंग कर्मियों ने निभाई, सफाई कर्मियों ने निभाई, पर जो पत्रकारों ने निभाई उसकी कोई अहम भूमिका नहीं, क्योंकि न पीपी किट पहना उन्होंने, न कोई इनके पास हथियार था, बिगैर हथियार पीपी किट के जो आप लोगों ने सेवा दी है उस सेवा को मैं सैल्यूट करता हूँ। पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आम जन तक हर खबर को पहुंचाया। धन्यवाद। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष उतार के सेटिंग व्यापारी से।